हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में एगेरिकस जो फंजाई है उसको स्टार्ट किया था और एगेरिकस के बारे में, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन और उसकी हिस्ट्री के बारे में अपने स्टडी कर ली थी। और आज एगेरिकस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी एगेरिकस जो कि खुम्बी के नाम से भी जानी जाती है, ढींगरी के नाम से भी जानी जाती है, मशरूम यानी छत्र के नाम से भी जानी जाती है। और यह क्या है, खाद्य या भोजन के रूप में यह यूज होती है, प्रयुक्त होती है भोजन के रूप में। भारत के कुछ हिस्सों में इसे भरपूर, इसको अच्छी ढंग से इसको उगाया जाता है और खाया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एगेरिकस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एगेरिकस, एगेरिकस की जो कायिक संरचना है वो कैसी होती है। बच्चों, यहाँ पर मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ कि आपने खुम्बी, जिसका इसका एगेरिकस का जो कॉमन नेम है खुम्बी, ढींगरी, खुम्बी आप परिचित हो खुम्बी शब्द से, और खुम्बी आपने अपने डेली रूटीन में आपने देखा होगा कि जहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा हो, गोबर के ढेर हो, ठीक है, जहाँ पर वेस्टेज ऑर्गेनिक मटेरियल हो, वहाँ पर ये क्या है, वेल डेवलप होती है। और एक छतरीनुमा, जैसे बारिश का जो छाता है, अम्ब्रेला जैसी स्ट्रक्चर्स आपने देखी होगी भूमि, लैंड सरफेस के जस्ट ऊपर, ठीक है, तो वो वास्तव में वो क्या है, मशरूम है, छत्रक है, खुम्बी भी बोल सकते हैं, ढींगरी भी उसको बोल सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, जैसे आपने अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, खुम्बी का जो बाह्य रूपरेखा आप देखते हो वो कम्प्लीटली, यानी वह पूर्ण रूप से फंजाई नहीं है, वो कवक का पूर्ण रूप नहीं है। आपको जो पार्ट दिखाई देता है लैंड सरफेस के ऊपर, जो पार्ट दिखाई देता है, जो छतरीनुमा होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो पार्ट क्या कहलाता है, बेसिडियोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी, इसका फलन काय होता है और उसको अपने बोलते हैं बेसिडियोकार्प। तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में रख दिया, भूमि के बाहर वाला जो हिस्सा है, अबव द ग्राउंड, आल्सो कॉल्ड इज बेसिडियोकार्प, उसको अपने क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प, जो भूमि के बाहर वाला हिस्सा है, जो नेक्ट आई से आप देख सकते हो, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये तो उसका एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा जिसको अपने नेक्ट आई से देख नहीं सकते, यानी अंडरग्राउंड पार्ट, जो हिस्सा भूमि के नीचे होता है, अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, वो पार्ट क्या कहलाता है, वो कायिक कवक जाल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायिक कवक जाल। तो इस प्रकार एगेरिकस के दो पार्ट हैं, एगेरिकस के दो भाग हैं, एक भाग अंडरग्राउंड के, अंडरग्राउंड भूमिगत, और दूसरा भाग भूमि के ऊपर, जिनको नेक्ट आई से अपने देख सकते हैं, जो अम्ब्रेला लाइक दिखता है, यानी बारिश के जो छाता है उसके समान दिखता है। तो दोनों पार्ट मिलकर एगेरिकस की कंप्लीट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, अगर एगेरिकस की कायिक संरचना का अध्ययन करना हो तो दो पार्ट में अलग अलग करेंगे, और वे दो पार्ट कौन से हैं, फर्स्ट इज वेजिटेटिव माइसीलियम, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होता है, भूमिगत हिस्सा होता है, सेकंड इज बेसिडियोकार्प, जो कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, जिसको अपने फलन काय बोलते हैं, जो कि भूमि के बाहर वाला हिस्सा है, अम्ब्रेला लाइक यानी बारिश के छाते के समान दिखने वाला, अपनी नेक आई से दिखने वाला जो हिस्सा है, अबव द ग्राउंड इट इज आल्सो कॉल्ड इज बेसिडियोकार्प, जो कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। तो दो अलग अलग इसके पार्ट हैं, अंडरग्राउंड पार्ट वेजिटेटिव माइसीलियम एंड अबव द ग्राउंड पार्ट आल्सो कॉल्ड इज बेसिडियोकार्प, या इसको फ्रूटिंग बॉडी, या इसको फलन काय बोलते हैं। तो ये दोनों ही पार्ट, वेजिटेटिव माइसीलियम और बेसिडियोकार्प, दोनों ही मिलकर इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, और दोनों को अपने अलग अलग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं इसकी कायिक संरचना, यानी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर जो इसका अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो अपने को खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, नग्न आंखों से दिखाई नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो अंडरग्राउंड होता है, भूमि के नीचे होता है,
ठीक है, वो कहलाता है वेजिटेटिव माइसीलियम, यानी जो कि कवक जाल, जो अपने देख नहीं सकते। अच्छा, अब बच्चों इसमें क्या है कि कवक जाल इसमें दो प्रकार के मिलते हैं, कवक जाल इसमें दो प्रकार के मिलते हैं, माइसीलियम दो प्रकार के हैं। फर्स्ट जो माइसीलियम है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी माइसीलियम, और द्वितीय जो प्रकार है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी माइसीलियम। हिंदी में मैं साथ बोल देता हूँ, प्राथमिक कवक जाल और इसको बोलते हैं द्वितीयक कवक जाल, ठीक है। प्राइमरी माइसीलियम अंडरग्राउंड जो पार्ट है, जो वेजिटेटिव माइसीलियम कहलाता है बच्चों, एगेरिकस के अंदर दो प्रकार के कवक जाल होते हैं। दो प्रकार के कवक जाल कौन कौन से, फर्स्ट इज प्राइमरी माइसीलियम, सेकंड इज सेकेंडरी माइसीलियम, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क है, यहाँ आप एक बात नोट कर लेना कि प्राइमरी माइसीलियम प्राथमिक प्रकार का जो माइसीलियम है सबसे पहले बनता है और सेकेंडरी माइसीलियम बाद में बनता है। सेकेंडरी माइसीलियम को कौन बनाता है, प्राइमरी माइसीलियम, या यूं कहें प्राइमरी माइसीलियम डेवलप होने के बाद सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी माइसीलियम को बनाने वाला माइसीलियम कौन सा है, प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम ही सेकेंडरी माइसीलियम को बनाता है। तो दो अलग अलग प्रकार के इसमें माइसीलियम है, यानी कवक जाल है। चलो दोनों की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो प्राइमरी माइसीलियम की स्ट्रक्चर देखें तो बच्चों यहाँ पर आप देखो प्राइमरी माइसीलियम की स्ट्रक्चर मैंने नीचे ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। और प्रत्येक सेल के अंदर, प्रत्येक ये सेल है, ये माइसीलियम है, और प्रत्येक सेल के अंदर क्या है, वेल डेवलप न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की यहाँ संख्या कितनी है, केंद्र की संख्या कितनी है, सिर्फ एक, सिर्फ एक, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। वेल डेवलप न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, अत्यधिक जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, डेंस होता है, सघन होता है, और अत्यधिक विकसित इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस की जो संख्या है, नंबर है, वो एक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि जो प्राइमरी माइसीलियम है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभेद के रूप में जाना जाता है, यानी जो माइसीलियम है उसके दो स्ट्रेन होते हैं, प्राइमरी माइसीलियम के दो स्ट्रेन, दो प्रभेद होते हैं बच्चों, एक को अपने बोलेंगे पॉजिटिव, दूसरे को बोलेंगे नेगेटिव, लेकिन देखने पर दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता, लेकिन इसको अपने क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन बोलते हैं, प्रभेद बोलते हैं। और इनकी विशेषता क्या है, प्राइमरी माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट होता है, पट युक्त होता है, सेप्टेट होता है, पट युक्त होता है, ये देखो ये क्या है, इसमें सेप्टा है, इसको बोलते हैं पट, ठीक है, तो सेप्टेट होता है। और मोनोकैरियोटिक, एक केंद्रकी, मोनो का मतलब एक और कैरियोटिक का मतलब केंद्रक, केंद्रकों की संख्या कितनी है, एक, मोनो का मतलब सिंगल। तो प्रत्येक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की संख्या है वो एक होती है, सो आल्सो कॉल्ड इज मोनोकैरियोटिक, एक केंद्र की, इसका जो कवक जाल है प्राथमिक प्रकार का जो कवक जाल है वो एक केंद्र की होता है, मोनोकैरियोटिक होता है, ठीक है। शॉर्ट लाइव, शॉर्ट लाइव का मतलब क्या है, ये बच्चों थोड़े ही समय के लिए जीवित रहते हैं, थोड़े ही समय का मतलब ये नहीं है कि ये डेड हो जाते हैं, थोड़े ही समय के लिए ये जीवित रहते हैं और तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा शॉर्ट लाइव्ड, ठीक है, थोड़े ही समय के लिए ये जीवित रहते हैं, तुरंत ये सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट कैसे होते हैं, ये देखो, पॉजिटिव स्ट्रेन, नेगेटिव स्ट्रेन, दो प्रकार के स्ट्रेन हैं बच्चों, दोनों ही जो स्ट्रेन हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी माइसीलियम ने सेकेंडरी माइसीलियम को बनाना है, इसलिए दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, ठीक है। सपोज करो ये वाली सेल इस वाली सेल के बिल्कुल पास आ जाएगी, और जहाँ से दोनों सेल अटैच करेगी
दोनों सेल अटैच करेंगी, इनकी जो वॉल हैं, इनकी जो कॉमन भित्ति हैं, वे डिजोल्व हो जाएगी और घुल जाएगी। डिजोल्व होने के कारण, घुल जाने के कारण दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, तो पूरे का पूरा जो माइसीलियम है कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी माइसीलियम। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखना कि सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मोगेमी, कोशिका द्रव्य संलयन, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोशिका द्रव्य संलयन, दोनों का जो साइटोप्लाज्म है उसका संलयन हो रहा है और दोनों केंद्रक एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आकर स्थित हो जाते हैं और तुरंत यहाँ पर क्या है, कैरियोगेमी नहीं होती, केंद्रकों का संलयन नहीं होता, केंद्रकों का संलयन थोड़े समय बाद होता है, पहले क्या होती है, प्लाज्मोगेमी होती है। दो सेल एक दूसरे के पास आ जाएगी और दोनों की भित्तियां घुल जाएगी, दोनों का जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है, और दोनों सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। लेकिन पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी, ठीक है। तो कैरियोगेमी से पहले की स्टेज दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज, द्विकेंद्र की प्रावस्था। द्विकेंद्र की का मतलब क्या है, डाई का मतलब दो, एक सेल के अंदर दो। ये देखो बच्चों, जो प्राइमरी स्ट्रेन है पॉजिटिव एंड सेकेंड, दोनों स्ट्रेन एक दूसरे के पास पास आकर प्लाज्मोगेमी की हेल्प से सेकेंडरी माइसिलियम को डेवलप कर दिया। अब सेकेंडरी माइसिलियम की विशेषता देखें तो ये कैसी हैं, देखो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, प्रत्येक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, और दो न्यूक्लियस कैसे बनी, दो अलग अलग माइसिलियम एक दूसरे के पास पास आने के कारण, ठीक है। तो बच्चों जो सेकेंडरी माइसिलियम होता है यह बहुवर्षीय होता है, जिसको लॉन्ग लाइफ बोलते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलता है, बहुवर्षीय होता है, वेल ब्रांच, अत्यधिक शाखित होता है, सेप्टेट होता है, देखो इसमें पट की फॉर्मेशन भी है, सेप्टेट यानी पटयुक्त होता है, और डाइकैरियोटिक, जो मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है डाइकैरियोटिक स्टेज, द्विकेंद्र की, प्रत्येक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, इसको बोलते हैं द्विकेंद्र की प्रावस्था, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, और दो न्यूक्लियस कैसे बने वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और डोलीपोर सेप्टा, बच्चों सेकेंडरी माइसिलियम के अंदर ये जो पट हैं मैंने आपको बताया था, दो सेल्स के बीच में क्या मिलता है, पोर मिलते हैं, छोटे छोटे पोर मिलते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार के पोर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, डोलीपोर सेप्टा, डोलीपोर सेप्टा आल्सो प्रेजनिन बेसिडियो माइस्टीज क्लास, बेसिडियो माइस्टीज जो क्लास हैं उसकी विशेषता यह है कि उसमें डोलीपोर सेप्टा पाए जाते हैं, इसको ढोल छिद्र रंध्र बोलते हैं, ढोल छिद्र रंध्र इसको बोलते हैं। अब जो क्योंकि ये क्या है, वेल ब्रांच होता है, अत्यधिक शाखित होता है, तो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, भूमिगत पार्ट होता है, तो भूमि के नीचे इसके जो माइसीलियम है अत्यधिक शाखित हो जाता है और एक दूसरे के साथ ये क्या है, ऐसे गुंथ कर, लिपट कर एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, उसको अपने बोलते हैं राइजोमॉर्फ, और उसको क्या बोलते हैं, तंतु जटा, आल्सो वाइट इन कलर, ये लगभग सफेद रंग की होती हैं। अब बच्चों जब ये पूरी तरह से सेकेंडरी माइसिलियम डेवलप हो जाता है तो इसके जो टिप पार्ट हैं, इसके जो टिप पार्ट हैं, एक मैच्योर माइसिलियम के जो टिप पार्ट हैं, धीरे धीरे भूमि से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे भूमि से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और सबसे पहले एक बटन स्टेज, जैसे अपने शर्ट का बटन होता है तो बटन रूप में दिखता है, और धीरे धीरे डेवलप होकर ये मशरूम का रूप धारण कर लेता है, जो कि क्या कहलाती है, बेसिडियोकार्प, जिसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, फलनकाय बोलते हैं, जो कि भूमि के बाहर वाला हिस्सा होता है, अबव द ग्राउंड। तो बच्चों ये था इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एगेरिकस, आल्सो आर ऑफ टू टाइप्स, वेजिटेटिव माइसिलियम एंड बेसिडियोकार्प यानी फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अपने स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोकार्प, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोकार्प एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोकार्प, आफ्टर देन रिप्रोडक्शन इन एगेरिकस। थैंक यू।